हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या वजह होती है कि जब स्टूडेंट मेहनत करते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट एवरेज या पुअर रह जाता है। अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो सीरियसली पढ़ते हैं, लेकिन स्टिल उनके रिज़ल्ट में काफ़ी डिफरेंसेस हम लोग देखते हैं कि होता है। आखिर क्या वजह है कि इक्वल मेहनत करने से भी फिर भी रिज़ल्ट में इतना ज़्यादा गैप रह जाता है? तो उसकी वजह क्या होती है कि मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन जो मेहनत करने का तरीका है, जो एफर्ट लगाने का तरीका है, वो तरीके में कुछ कमी है। अब जैसे मैं आपको एक बात कहता हूँ कि आप डेली बेसिस पे अपना एक शेड्यूल तैयार करो पढ़ाई का। आप कॉपी पे लिखो कि आपने आज ये सब्जेक्ट के ये वाले टॉपिक्स कवर करने हैं। जब आप उन टॉपिक्स को कवर कर रहे हो तो जो चीज़ आपको डाउट लगती है उसे आप अलग से नोट करो और उसे फिर क्लियर करो किसी दिन या कहीं पे भी, जैसे मर्जी आपका मतलब मन करे। डेली बेसिस पे हर सब्जेक्ट के लिए या जितने भी आप सिलेक्टेड करना चाहते हो, 3 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट अच्छे तरीके से जितने भी आप पढ़ सकते हो, वो ज़रूर शेड्यूल बनाओ डेली बेसिस पर। टॉपिक्स मेंशन करो, जो टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं उनको रखो अलग, और जो थोड़े से कम स्ट्रॉन्ग रह गए या वीक रह गए उनको अलग लिस्ट बनाओ, और फिर टाइम टू टाइम उन जो वीक जोन्स हैं उनको भी आप कवर करने की कोशिश करते रहो। जब आप इस तरीके से चलोगे तभी आपका प्रॉपरली कवर होगा और हर आप टॉपिक को अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग में बना पाओगे। अदरवाइज़ होता क्या है कि हम लोग रैंडमली चीज़ें उठा लेते हैं, किसी दिन हमारा मन कर गया पर 4 घंटे पढ़ लिए, 4 घंटे पढ़ते रहते हैं, किस दिन बिल्कुल भी मन नहीं किया उस दिन सारा दिन ही नहीं पढ़ते अपन। तो ये चीज़ रैंडमली चलने से फिर वो एक रेगुलरिटी नहीं बन पाती। तो डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए प्रॉपर शेड्यूल तैयार करना ज़रूरी है। तो इसीलिए जो बच्चे सोचते हैं कि वो पढ़ते तो बहुत है लेकिन स्टिल उनका रिज़ल्ट पता नहीं क्यों नहीं मतलब बन रहा, तो यही चीज़ है कि एक प्रॉपर शेड्यूल की कमी है। एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए अपनी स्टडी का और फिर देखिए आपको अपना रिज़ल्ट कैसे धुआंधार मिलता है। थैंक यू।